मुंबई बोरीवली पुलिस स्टेशन आ साइबर ऑफिसर ने कथित आर्मी एयरफोर्स जवानी धरपकड़ करी छे जो दीपक सुर्वे नामना जोवा मळ्या छे मित्रता वधारता હતા અને ત્યારબાદ આ મામલો સામે આવ્યો છે તો કેન્ટીનમાંથી સસ્તા અને સારી ગુણવત્તાની પ્રોડક્ટ્સ ઉપયોગ કરતા હતા મેળવવાના નામે લાખોની છેતરપિંડી કરી સાયબર પોલીસના રેકોર્ડ મુજબ આરોપી અત્યાર સુધીમાં ફેસબુક પર નકલી આઈડી બતાવીને 56 લોકોને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો પોલીસે આરોપી વિનોદ ગાયકવાડની નવી મુંબઈના બેલાપુર વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી ચાવેરા પટ્ટા આઈડી કાર્ડની સાથે 12 અલગ અલગ સિમ કાર્ડ પણ મળ્યા કંપનીઓ અને 2 મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા हमारे पास 31 जनवरी को एक तकरारदार आए उन्हें उन्होंने ऐसी तकरार की कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उन्हें एक व्यक्ति ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्होंने एक्सेप्ट की एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने इन्हें कहा कि वो नेवी के अफसर है और नेवी में जो कैंटीन है मतलब वहाँ पे ब्रांडेड सभी चीज़ें मिलती है तो वो चीज़ें मैं आपको कम दाम में दे दूँगा करके मतलब कोई टीवी है फ्रिज है उसका कीमत समझो लाख के आसपास है तो उसको 30% 40% डिस्काउंट पे मैं आपको दे दूँगा तो ये जो तकरारदार है ये इनके झांचे में आ गए ये व्यक्ति ने उन्हें बोला कि आप 40,000 भरिए करके आपको जो चीज़ चाहिए मैं दे देता हूँ इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसके साथ किया उसको 40,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए ये जो तकरारदार है बार बार उसे फ़ोन करके फ्रिज के जो चीज़ खरीदने उसके बारे में पूछ रहे थे लेकिन सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उसने अपना नंबर भी बंद करके डाला जो आरोपी है ये बार बार लोगों को अलग अलग नाम से फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजता था और जहाँ पे वो बोलता था लोगों की मैं आर्मी में हूँ नेवी में हूँ एयरफोर्स में हूँ या CISF के जवान हूँ ऐसा करके वो लोगों को झांसा देता था और बोलता था कि मैं आपको कम कीमत में अच्छी चीज़ दिला दूंगा तो इसके वजह से लोग उनको पैसा देते थे उसके बाद में वो एक बार पैसा लेने के बाद वो नंबर बंद कर देता था और दोबारा दूसरा नंबर